मीडिया के साथ बदतमीजी अब बर्दाश्त जो है नहीं की जाएगी। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं डोडा में मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो आज जो है प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और प्रोटेस्ट पे बैठने की वजह क्या है, हाल ही में जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून का दौरा जो है डोडा में हुआ था और मीडिया कर्मियों को जो है बुलाया गया था, इन्विटेशन दिया गया था, और वहाँ जाके कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा जो है मीडिया से बदतमीजी की गई और मीडिया के साथ जो है बहसबाजी की गई। क्या कुछ है जानने की कोशिश यहाँ पर जो यहाँ के हेड है, मीडिया एसोसिएशन डोडा के हेड, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नसीर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह देखने में ये आ रहा है कि मीडिया के साथ जो है बदतमीजी अब देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पे? देखिए, ये बदकिस्मत की बात है कि इतने सालों से मीडिया के लोग जो काम कर रहे हैं फील्ड में, किस मुश्किल में है, किस तरह से वो अपना ड्यूटी अंजाम देते हैं, तो ये उनका ही काम है। लेकिन उनके साथ ही ये पुलिस हमेशा बार बार, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हो, या जम्मू या श्रीनगर से जो भी हायर अथॉरिटीज आते हैं, वो इनके साथ ही जो इनकी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाते हैं, गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, इनकी प्रोग्रेस देते हैं, इनकी अचीवमेंट हाईलाइट करते हैं, उनके साथ ही ऐसा होता है, तो ये बदकिस्मती की बात है। अगर असगर सामून साहब ने या उनके जो मुंतजमीन है या डीसी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उस वक्त ये इनके मीडिया के सामने गलती तस्लीम की होती, अपनी गलती को माना होता, अपनी गलती का एहसास किया होता, तो ये नौबत नहीं आती, ये नौबत प्रोटेस्ट की नहीं आती। लेकिन वो अपनी वो उसमें धुन में रहे, अपनी उसमें वो ईगो में रहे, और जिसकी वजह से आज हमें ये मजबूरन होके यहाँ पे धरना का जो रास्ता इख्तियार करना पड़ा। सर, कहीं कहीं देखा जाता है कि मीडिया को बुलाया जाता है, कोई भी प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन का है बुलाया जाता है, लेकिन ना ही वो रेस्पेक्ट देखने को वहाँ पर मिलती, और बुलाने के बाद आपने देखा किस तरह कहा गया कि अपने कैमराज बंद कीजिए, आप जो है बिकाऊ है, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या लगता है किस हद तक ये जबान जो है ठीक है? देखिए, जो भी एक्ट वहाँ पे हुआ है हमारे साथी के साथ, वो कंडमेबल एक्ट है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे, चाहे वो किसी भी मीडिया के साथ, चाहे वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जो भी काम करता है, इनके साथ इस किस्म का बर्ताव किया जाए वो काबिल कबूल नहीं होगा। नंबर दो, जब इन्होंने बाजब्ता तौर गाड़ी दी, बाजब्ता तौर उन्हें इनविटेशन भेजी, बाजब्ता तौर उन्हें प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ से बुलाया और फोन किए, फोन कॉल्स आ गए, और हमने उनको लाज रखने के लिए वहाँ गए, और घर में जब उन्होंने बुलाया तो घर में जाकर उन्होंने हमारी ये बेइज्जती की। उस घर में हम यही कहेंगे कि पहले मेहमान को बुलाते हैं, उसके बाद घर में उनकी बेइज्जती की जाती है, जो कि कंडमेबल है जो एक्ट। और अगर डीसी डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यह करना चाहा था, अगर आज सुबह भी हमसे बात की होती, हो सकता कि इसका सलूशन कुछ निकला होता, लेकिन वो अपनी उसमें रहे, उनका कोई वीआईपी का विजिट था। तो हम चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस जो है रोज रोज किसी मीडिया के साथ, किसी मीडिया के आदमी के साथ रोज रोज इस किस्म का बर्ताव करना, इस किस्म का ट्रीटमेंट देना, और इस किस्म की वो जबान और उस किस्म का बिहेव करना, ये एक आईए अफसर, सीनियर आईए अफसर के लिए शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है। और यही लोग हैं बेचारे, इस सूरत हाल में काम करते हैं, लेकिन इनको काम करने के लिए वो भी मौका नहीं दिया जाता है। जब ये हाईलाइट करते हैं अपनी उनकी अचीवमेंट्स को, तब ये ठीक है, जब अपने मुतालबात और अपने हकूक की बात करते हैं, तब ये मतलब इनका थोड़ा सा रुख इनकी तरफ से वो चेंज हो जाता है। ये तो बदकिस्मत, दिस इज टोटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। कहा जाता है मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी लोग, उनकी आवाज जो है मीडिया आगे पहुंचाता है, लेकिन आज मीडिया की आवाज को दबाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बदकिस्मती है, जो लोग जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, और जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी मतलब लोगों को मुख्तलिफ किस्म के मतलब वो प्रोग्राम्स वो देते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के मतलब उनके साथ जाते हैं, लोगों की आवाज बनते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो मीडिया जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक का है या प्रिंट मीडिया, आज खुद अपनी किस्मत को रो रहा है, और अपनी मुतालबात के लिए वो, अपने हुकूक के लिए वो लड़ रहा है। उनको ये इससे और क्या सिचुएशन पेश आ सकती है कि वो अपने जज्बात, अपने एहसास, अपने मुतालबात और अपने हक के लिए वो लड़े। ये हम सबसे बड़ी ये बदकिस्मती की बात है कि वो मीडिया वाला
जो कि वो मीडिया के लोग जो कि दूसरों के लिए मतलब एक सहारे के तौर पर उभरते हैं, बन जाते हैं, आज उनको दूसरों का सहारा और अपना खुद सहारा बनना पड़ता है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ इस वक्त बड़े लोग और भी सिविल, यहाँ की सिविल सोसाइटी है, यहाँ के दूसरे लोग हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ के कुछ चीदा चीदा बंदे हैं और यहाँ के जो एक्स जिन्होंने मीडिया में काम किया वो भी हमारे साथ है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की, हम चाहते हैं कि एक हम पोलाइटनेस दिखाएंगे, हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल तरीके से अपने मुतालबात को मनवाएंगे और पीसफुल तरीके से हमारे अपने जो मुतालबात हैं, हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखें। होना ये चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें खुद बुलाती और अपने हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं वो हमसे पूछ लेते तो हम उनके सामने मतलब फेस टू फेस। देखने में आ रहा है कि जब से डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए हुए हैं विशेष पाल महाजन जी, ना ही वो बात करने की कोशिश करते हैं, बस अपने दोनों में मस्त रहते हैं। जो इशू 3 दिन से बना हुआ है, 3 दिन से लेकर अभी तक कोई भी बातचीत जो है मीडिया के साथ नहीं हो रही, मीडिया के साथ जो ज्यादतियाँ या जो परेशानियां आ रही है लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं। क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में ये सब चीजें जो है बर्दाश्त की जाएंगी? मुझे लगता है कि उन्होंने जो मीडिया के साथ बर्ताव किया उसका अंदाजा गलत किया है, और गलत किया है कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और हम जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ करना चाहती है और हम इनके किसी वक्त उस किस्म की, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो होती है बहुत कम होती है, अगर हम उस पे आ जाएंगे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग पे, फिर तमाम के तमाम खोल खुल सकते हैं और तमाम चीज़ें बाहर आ जाती हैं जो इस वक्त लोगों के सामने पर्दे के पीछे हैं वो बाहर आ जाती हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई कन्फ्रंटेशन लेना, लेकिन हम इसका ये भी मतलब नहीं कि हमारे हुकूक को, हमारी मुश्किलात को दबाएंगे, हमारी मुश्किलात को नज़रअंदाज करेंगे, पसे पुस्ता डालेंगे। ये तो टोटली हमारे साथ मतलब ज्यादती है, इनजस्टिस है। और जब तक हम अपने जस्टिस को, अपनी आवाज को, अपने मुकाम को न पहचाने और हमारे मुकाम को रिकॉग्नाइज न करें यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें सड़कों पे बैठना पड़े, हमें किसी और जगह जाने पड़ा, हमें जम्मू या श्रीनगर जाना पड़े, किसी भी मतलब किसी भी मीडिया हाउस पे हम जाने के लिए तैयार हैं कि हम अपने साथी की जो तज़ीन है, अपने साथी का जो मिसबिहेव का जो कंडक्ट है और बिहेवियर है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना है और बदतमीजी ना मंजूर। मीडिया के साथ बदतमीजी ना मंजूर। जम्मू कश्मीर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होश में आओ। डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। इनकलाबा जिंदाबाद। तो आपने देख लिया लगातार प्रोटेस्ट है। सर आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह जो है मीडिया कर्मी के साथ जो है बदतमीजी जो है की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, एक मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी, यानी कि सभी मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी, पूरे हिंदुस्तान के जर्नलिज्म के साथ बदतमीजी, पूरे जर्नलिस्टों के साथ बदतमीजी, और वो जो है जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके की है, एक शर्मनाक बात। पूरे हमारे साथी नहीं देखते, भूख नहीं देखते और सिर्फ सोशल प्रोफेशनल काम हमेशा करते हैं। अफसोस की बात यह है, हमारे बाबू लोगों को जब से पॉलिटिकल सिस्टम यहां पर खत्म हो चुका है, उनको यह लगता है तो सबसे बड़ी पावर है, और पावर तो है भले करने के लिए बनाई गई है, न कि बदतमीजी करने के लिए। और आज जो जवाब दिया के पर्सन ने दिया है, यह सीधा जवाब जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को है, बिकने वाले मीडिया नहीं है, वो बिकने वाले मीडिया नहीं है। आप कह रहे थे कि 10 रुपए का मोबाइल, हमारे 10 रुपए का मोबाइल, 100 रुपए का मोबाइल, मोबाइल सच दिखाना बंद नहीं होगा, सच दिखाएंगे और सच दिखाते हैं। और आज भी ये सच की तस्वीरें आपके सामने है कि यहाँ पर हम ऑफिस के बाहर, और सभी लोग यहाँ पर आके हमें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मनाइए मत, उनको मनाइए, बदतमीजी यहाँ पर की है और उनको यहाँ पर लेकर आइए और उनको कहिए, उनको पहले सिखाइए कि ऑब्जेक्ट बात की है।
नेता के साथ ऐसे बात करते हैं, ऐसी बदतमीजी मीडिया कर्मियों के साथ करते हैं, तो आम लोगों के साथ वो क्या? देखने में आ रहा था कि वो आम लोगों के साथ जो उनके एम्प्लॉयज थे उनके साथ भी वो बदतमीजी कर रहे थे, और कहा यह जा रहा कि पहला वाका नहीं है, बार बार वो ऐसा करते हैं, तो क्या लगता है कहीं दिमागी संतुलन की कोई दिक्कत? बिल्कुल, अगर उनको कोई दिमागी संतुलन की कोई दिक्कत है तो, और जम्मू कश्मीर में जिस भी ऑफिसर को भेजते हैं डेंटल हॉस्पिटल लिया जाए, कब किया जाए, को दिक्कत तो नहीं है कोई? किताबें पढ़ पढ़ के भी ज्यादा जो है दिमागी हालत जो है खराब हो जाती है, इसलिए जो है डेंटिस्ट को दिखाया जाए इनको पहले, और फिर लोगों में भेजा जाए। ऐसे नहीं कि किसी लोगों में भेज के जो है अपनी भी इनसे हमारी भी जो है सोच होती है, हमारी भी जो है इज्जत है, और जिस तरीके से लोग आके जो बाबू लोग आके यहाँ पर जो बदतमीजियां करते हैं वो मंजूर नहीं है, और हम उनके फटकार लगा रहे हैं आज। और आज जो है मीडिया कर्मी इकट्ठा होकर दिखा दिया है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी मीडिया जो है रहती है जो हमेशा जो है आवाज उठाती है, और आज भी आवाज उठा रही है। हम देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बुलाती तो है, मीडिया को इनविटेशन दिए जाते हैं, लेकिन फिर रेस्पेक्ट जो है वहाँ पर नहीं, और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी देखने में आ रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी कदम ना कोई एक्शन लिया जा रहा है। देखिए बहुत शर्मनाक बात है एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के लिए भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, कि देखिए किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए शर्म की बात है कि जहां पर आप बात करते हो मीडिया को स्वतंत्र करने की, जहां पर आप बात करते हो कि मीडिया फ्री है, लेकिन पहरा है माइकों के ऊपर और हमारे कैमरों के ऊपर भी, वो पहरा जो है वो होने नहीं देंगे, इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहां पर। और जवाब गवर्नमेंट को है कि डोडा की मीडिया झुकने वाली नहीं, हमेशा आवाज उठाएगी, सच दिखाएगी। आपने देख लिया कि मीडिया एसोसिएशन डोडा जो है लगातार प्रोटेस्ट पे है, और उसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूं कि बिल्कुल आप देख सकते हैं माइक डॉन जो है यहां पर कर दी है, जितने भी मीडिया कर्मी है अपनी माइकें जो है यहां पर डॉन कर दी, और बिल्कुल डीसी ऑफिस के बाहर, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर डोडा के ऑफिस के बाहर जो है प्रोटेस्ट है, और मांग है कि जब तक जो है माफिया ना मांगी जाए, क्योंकि मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी किसी भी हद तक जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से तस्वीरें डोडा की है, किस तरह मीडिया एसोसिएशन डोडा जो है प्रोटेस्ट पे है, किस तरह लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह मीडिया के साथ बदतमीजी की गई है वो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और आने वाले टाइम इसकी मजम्मत जो होगी। और खासतौर पर अपील, जिस तरह आपने देखा कि क्या कुछ अपील थी, उम्मीद है आने वाले टाइम में ना ही इस तरह की बदतमीजी जो है मीडिया के साथ की जाएगी और ना ही बर्दाश्त की जाएगी। तो कोशिश करेंगे आगे भी आपको ऐसी खबरों के साथ रूबरू कराने की, जुड़े रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।